पुलिस के हत्थे चढ़ा अतीक का बहनोई अखलाक। उमेश पाल केस की लिखी थी पटकथा। अखलाक उगलेगा कितने राज। इस चेहरे को गौर से देखिए, क्या इसे पहचान पा रहे हैं आप? पुलिस कस्टडी में आज ये असहाय सा दिख रहा है, लेकिन इसकी करतूत जानकर आप भी चौंक जाएंगे। इसकी करतूत भी जानेंगे, पहले ये जान लें कि ये अतीक का बहनोई है। अतीक की गैंग को चलाने में इसकी अहम भूमिका है। नाम है अखलाक, जिसे प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर मेरठ से गिरफ्तार किया है। ये पुलिस की रडार पर लगातार बना हुआ था, क्योंकि जैसा कि आरोप है कि यही वो शख्स है जिसने उमेश पाल केस की एक एक लाइन लिखी थी। यही वो अतीक का गुर्गा है जिसने उमेश की जान लेने के लिए शूटरों की फंडिंग की थी। यही वो आरोपी है जिसे इस केस का मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है। यही है वो जिसके घर में अतीक का बेटा असद अहमद, गुड्डू मुस्लिम और शूटर साबिर छुपे हुए थे। इसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस को इस बात की आशंका है कि अब इस केस में एक एक कर परत दर परत सारे राज खुलते जाएंगे, क्योंकि पुलिस अब इससे इस केस से जुड़े एक एक सवालों का जवाब लेगी। पुलिस को अब इस बात की उम्मीद है कि पूछताछ में ये सारे राज खोलेगा, जिसके बाद इस केस के दूसरे आरोपी अतीक के बेटे और उसके गुर्गों का ठिकानों पर धावा बोलकर उसे गिरफ्तार कर लेगी। हालांकि पुलिस इससे पहले अखलाक से कई बार पूछताछ भी कर चुकी है। उमेश पाल केस में 24 फरवरी के बाद कई एक्शन हुए, जिनमें पुलिस सफल भी हुई है, लेकिन इस केस से जुड़े कईयों की तलाश फिलहाल जारी है। बता दें, 24 फरवरी को उमेश पाल की जान ले ली गई थी। उमेश पाल बसपा विधायक राजू पाल केस का मुख्य गवाह था। इस केस का मुख्य आरोपी अतीक अहमद था। अतीक पर राजू पाल और उमेश पाल दोनों की जान लेने का आरोप है। राजू पाल केस 2005 में हुआ था। इस मामले में MP MLA कोर्ट ने अतीक और उसके दो साथियों को उमेश पाल अपहरण केस में दोषी ठहराया है। इस केस में तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। हालांकि अतीक अहमद पर 100 से ज़्यादा केस दर्ज हैं, लेकिन यह ऐसा पहला मामला है जिसमें उसे सजा हुई है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद अखलाक क्या राज उगलता है और उसके बाद ये केस कौन सा मोड़ लेता है, ये जितना अहम है उतना ही अहम ये भी है कि अतीक और उसके गैंग पर जिस तरह से लगातार दबिश बढ़ती जा रही है, उससे न केवल उसका गैंग कमज़ोर हो रहा है, बल्कि इस केस से जुड़े फरार आरोपियों के लिए मुश्किलें और भी बढ़ती जा रही हैं, जो कि UP पुलिस के लिए सकारात्मक रिजल्ट लेकर आएगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए 1 इंडिया हिंदी के साथ।